सब्सक्राइब कीजिए हमारे किसान न्यूज चैनल को और घंटी का बटन दबाकर बनिए अन्नदाता की आवाज। महाराणा पंचग्रामी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, ये तो कुछ भी को नहीं। देश के प्रधानमंत्री हमने आ दिए, मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ऐसे आदमी देश पावड़े ना आए। ये पावड़े का हौसला इस आने वाली पीढ़ी को नहीं पता। इस खाप का, इस हरियाणे का सबसे बड़ा हौसला था, बिना इनके कामों में तोतरा नहीं हुआ था, सिर्फ पावड़े का तोतरा था। यहाँ सुनने के लिए आते हैं, हमारे तो बुजुर्ग थे, मैं पावड़े के तोतरे में कौन बोलेगा, किसकी मत सुनो बोल सकता है। पहले गलत नहीं बोल जाते, मैं मीडिया वाले से कहता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ, चाहे भाजपा की हो चाहे किसी की हो, सुन लेना चाहिए उनकी, इसकी पूरी इंक्वायरी करवाए। अगर ये नहीं गलत है, इसको मुआवजा दिया जाए, इसको बरी किया जाए, और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट रहेंगे, उनके पक्ष में सरकार भी खाती पीती है, उनका मुंह बंद कर देते हैं अधिकारी, हमें यह भी पता है। लेकिन हम उनका मुंह बंद नहीं रहने देंगे, हाथ पकड़ के हमें मुंह खोलने भी जाना, अधिकारियों का भी और सरकार का भी। इतना बड़ा आंदोलन होगा, सरकार देखती रह जाएगी, हमारे यहाँ घर आएगी, हाथ जोड़ेगी, पाए जोड़ेगी, हमने देखा है, सरकारों सामने करके देखा है, सौ में एक मारेगा था, कोई सुनवाई होती, एसके टेलीफोन आओ फैसला करवा दो, डीसी का टेलीफोन आओ मेरे पास करवा दो, यही हालत फिर होगी। ऐसा काम लगाएंगे ये पांच काम, और साथ में जितने भी वाण है को लेकर सरकार को पसीना आ जाएगा, हमने तो तकलीफ होगी लेकिन सरकार को पसीना आ जाएगा, किसी भाई को दूसरा नहीं मानना चाहिए। आज सुनिए भाई, आज आपकी पंचग्रामे की जो पंचायत हुई है, इस पंचग्रामे का चबूतरा पे भाई कुंडू के मित्रों से के लिए के फैसला आपने पंचायत में लिया, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फैसला ये लिया जी, पत्रकार होते हैं चौथा स्तंभ होते हैं ये देश का, और एक पत्र भाई को बगैर कसूर के मरवा जाता है। पत्रकार तो सेना में भी, बॉर्डर पे भी जा सकता है, किसी मंत्री के घर भी जा सकता है, पत्रकार तो वही पत्रकार है जिसकी भेंट लेके पांच सांसदों को सस्पेंड करवा था, मंत्री को सस्पेंड करवा था, पकड़वा देते हैं। लेकिन ये गरीब का बच्चा है पत्रकार, अगर गोदाम में उसमें एंट्री करके बढ़ जाता है, वहाँ कोई चीज़ देखता है और सही लिख देता है कि भाई ये गेहूँ बिकी हुई थी, और इसी को सजा मिलती है, इसी पे केस होते हैं, इसी पे मानहानि का केस है, ये कोई तरीका नहीं सरकार का। हम पांच गांव आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, अगर इस पर ज़बरदस्ती की गई, हम पत्रकार भाइयों का साथ देंगे। हमारे को जो अनाज मिलता है यहीं आता है, गोदाम में सड़े अनाज कौन खाता है, हमारे भाई खा गोदाम में आता है, अगर वहाँ इंस्पेक्टर हो तो पैसे खा जाते, पैसे दे के मीडिया को भी दबा देते, अफसरों को भी दबा देते, ये कोई तरीका नहीं। अफसरों का सरकार का ये महत्व है, जिसकी गलती है उसको पकड़ो, इसकी गलती है या नहीं है, क्या इंक्वायरी की है सरकार ने, भिगी हुई कनेक्टिंग नहीं थी उसकी इंक्वायरी नहीं करी, उसकी इंक्वायरी को दबा करके कह दिया कि भाई ये पत्रकार भाई ने झूठी खबर छापी है, जबकि इसको कोई झूठी खबर नहीं छापी, असलियत है। आज ये रोएगा, पत्रकार इसकी मदद नहीं करे, पत्रकार ने मदद करनी चाहिए, फिर हम हैं इसके चाचे ताऊ हैं, भाई हैं, हमारे गांव हैं, खाप है, इसके साथ हैं। अगर सरकार ने इसकी सुनवाई नहीं करी, इसको या तो यू केसे उठा लेना चाहिए, रफा दफा करे, अगर नहीं उठाती सरकार ये केस, हम ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार का पसीना उड़ा देंगे। कितने दिन का टाइम दोगे सरकार को? सरकार को दे दिया जी एक हफ्ते का, एक हफ्ते तक या सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं हुई न जी, आप होए हमें असली पांच गांव या एक का एक और टाइम दिया है आज 7 दिन, वो पहले छोटी पंचायत थी, ठीक अब बड़ी पंचायत, आज जो पंचायत आज एक हफ्ता का टाइम दिया सरकार, सर्व खाप पंचायत इकट्ठी हुई आज, हमारे तो 40 गांव में 41 गांव में जो पंचायत है इसके सारे प्रतिनिधि आ रहे थे, एक एक दो दो, मैं पंचायतों का अध्यक्ष हूँ, उस पंचायत में मैं नहीं आया था, इसमें आया हूँ, मैं अल्टीमेटम देता हूँ 41 गांवों की तरफ से, सलाह करके 41 गांवों की, अगर ये इसको बहाल नहीं किया गया, इसको नहीं छोड़ा गया, इसको फंसाएगा, तो हम गोदामा में उसमें भी जाके डीसी का भी घेराव कराएंगे, एसपी का भी घेराव कराएंगे, एमएलए मंत्रियों का भी घेराव कराएंगे, या तो इसको सुनवाई की जावे, पहले सारी साक्षी मानते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं पत्रकार का, बाद में इसी को फंसाते हैं, इसी पर एलिगेशन लगाते हैं, इसी को झूठा बताते हैं,
मीडिया वालों को झूठा बताओ। सबसे बड़ी गलती तो आप पत्रकारों की, जो इसकी मदद नहीं करे, जितनी करनी चाहिए। पत्रकारों की यूनियन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर। आप पत्रकार इसकी मदद करें। हम तो भाई के साथ हैं, साथ तो हम जो 41 गांवों की पंचायत है, हम जितनी भी मदद होगी, घेराव किसी का करना पड़ेगा, घेराव होगा, घर भी रोकेंगे, ये भी इलेक्शन होगा, इस पर भी प्रतिबंध लगाऊंगा। हमारे गाँव में पांचों गाँव में इंटर नहीं करने देंगे किसी को वोट मांगने वाले का, बेचारे कौन सी पार्टी का हो। या तो इसका यू केस को बहाल किया जाओगा, इसका हमें एक हफ्ता का समय देते, और ये हमारी बात से ये डीसी तक सीएम तक पहुँचा देनी चाहिए। तो अगले पंचायत अगले संडे को होगी? हाँ जी, अगले संडे को। किस टाइम होगी पंचायत? अगले 10 बजे करीब होगी जी। 10 बजे? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। बड़ा जी, मतलब क्या फैसला लिया आज का जो अनुप कुंडू के भाई उसके सहयोग के लिए अपने पंचायत हुई पंचायत? बिल्कुल, पांचों गांव की जो पंचायत थी और आसपास के क्षेत्र के भी जो पंचायत थी, सरपंच, पूर्व सरपंच, सभी मौजूदा व्यक्ति, युवा साथी सभी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम तन मन धन से अनुप कुंडू के साथ हैं और इस लड़ाई में हम उनका अंत तक सहयोग करेंगे। अगर सरकार मतलब इस केस को वापस ना लेगी तो के आगे का आंदोलन क्या रहेगा? तो जो भी हमारी जो कमेटी बनी है, जो इसका पंचायत के अध्यक्ष थे मास्टर पुनिया साहब, उनका जो जैसा भी जैसा निर्देश होगा हम उसी तरीके से आगे काम करेंगे। कितने कामों की जो आज पंचायत हुई है? आज हमने पंचग्रामी से शुरू की थी, पंचग्रामी पावड़ा से, और इलाके के और भी लोग आए थे हमारे आसपास के, काफ़ी संख्या में मौजूदा लोग। कितनी की जनसंख्या होगी यहाँ पर आए हुए बाहर से आदमी? संख्या यहाँ करीब 400-500 के आसपास लोग थे। वो पत्रकार है जिसने खाद्य आपूर्ति विभाग के जो गोदाम में खराब गेहूँ की जो वीडियो वायरल हुई थी और ये नेशनल मीडिया में पूरा वीडियो सब लोगों ने देखा, छाया, और इसे पत्रकार भाई पे मतलब एक मुकदमा दर्ज हुआ भाई, सारा मामला इसी से पूछा क्या मामला था, वो करा भाई कुंडू साहब क्या मामला था, किस तरह के अपने? सबसे पहले तो मैं किसान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी आवाज़ बनकर साथ खड़े हैं। और मामला ये है कि किसानों का गेहूँ, गरीब मजदूरों का गेहूँ जो गोडाउन में रखा गया था वहाँ पर भीग करके ख़राब हो रहा था, उकलाना का ये मामला है, और वो हमने जनता के सामने और सरकार के सामने लाने का काम किया था। जनता की आवाज़ इस प्रकार से पत्रकारिता होती है, हमने सिर्फ अपना धर्म निभाया है, लेकिन ये चीज़ कुछ अधिकारियों को नागवारा गुजरी और उन्हें अपनी साख बचाने के लिए एक झूठा षड्यंत्र रच करके मेरे ऊपर मामला दर्ज कराया। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ देश के तमाम मीडिया साथियों का जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, वो तमाम साथी जो नेशनल लेवल पर भी आज मेरी सपोर्ट में हैं, और यहाँ उकलाना से लेकर जिला हिसार और हरियाणा के तमाम साथी जो मेरी आवाज़ बने, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे पंचग्रामी के अलावा अन्य खापों की भी एक पंचायत थी गांव में यहां पर, और पंचायत ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि पूरी खाप हमारे साथ है और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे साथ होगी। सरकार को ये आज के दिन उसकी निष्पक्ष जांच करा के और मेरे ऊपर जो झूठा दर्ज किया गया मामला उसको रद्द करने की पंचायत हुई थी आज। तो पंचायत पर मतलब कितना के विश्वास है भैया अपने जो समाधान करवा सके? जी, पंचायत पर मुझे 100% है, क्योंकि हमारे खाप की जो हमारी पंचग्रामी की पंचायत है बहुत बड़े बड़े फैसले लेती है, और बात यहाँ ये है कि वो मेरे साथ खड़े हैं, सबसे बड़ी विश्वास की और मेरे हौसले की बात है कि आज मेरे साथ खड़े हैं। और अगर सरकार या महकमे द्वारा ये मामला रद्द नहीं किया गया तो हम न्यायालय की शरण लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि हम सच्चे हैं। धन्यवाद।